वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में एक पूरे जनपद के लिए कार्यक्रम विधानसभावार और जिलेवार तैयार किया गया है। उसी कड़ी में आज दिव्यांग जन की मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। इसमें दिव्यांग जन विभाग के जो अधिकारी हैं योगेश पांडे जी, उनके नेतृत्व में सभी दिव्यांग जन साथियों ने, जिन्होंने हमें दिव्यांग जनों के मतदाताओं के वोट बढ़ाने में भी योगदान दिया है। और इस बार विशेष ये है कि सभी बूथों पर रैंप की व्यवस्था की गई आयोग द्वारा, और इस बार पोस्टल बैलेट की भी सुविधा यदि कोई व्यक्ति चाहेगा दिव्यांगजन तो उसको दी जा सकती है। इसलिए इस बार वोटर लिस्ट में इनको चिन्हित करने का भी काम चल रहा है। हमारे यहाँ से लगभग 90% दिव्यांगजन चिन्हित हो चुके हैं आपके माध्यम से भी, और जैसे मैंने यहाँ अपील की है, यदि अभी भी कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिनको अभी चिन्हित नहीं हुए हैं तो हमारी वोटर लिस्ट में चिन्हित हो सकते हैं। संबंधित तहसीलों में BRC केंद्रों पर जाकर इस बात की सूचना दे सकते हैं, अथवा जिला दिव्यांगजन कार्यालय में भी अवगत करा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वो इपिक नंबर जरूर दें, क्योंकि इपिक नंबर से ही पता चल जाता है उनका किस मतदाता सूची में और किस बूथ पर नाम। सर रैली कहाँ तक गई है? कलेक्ट्रेट विकास भवन से ये प्रारंभ हुई थी और वहाँ से मार्ग से होती हुई कलेक्ट्रेट सभागार में समापन हुआ है।